तो हेलो गाइस, एम टू ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और अभी फिलहाल हम हैं मुनागोड़ से आगे को, जो कि बड़ालू वाली रोड है जो जूलागढ़ भी जाती है। जूलागढ़ यहाँ से करीब करीब 25 किलोमीटर दूर है। और आप पिथौरागढ़ से अगर वड्डा आते हैं तो वड्डा आपके लिए करीब करीब पड़ेगा 10 किलोमीटर दूर। तो देखिए, यहाँ पर रोड काफ़ी शानदार है, अच्छी है, और कहीं कहीं पर थोड़ी ख़राब भी है। हमें जाना है शायद ऊपर वाली रोड से ना। मैं सलेटी ये जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। और यहाँ पर आगे जो देख रहे हैं आप, ये है सैंडी द ब्लॉगर, ये भी अपना ब्लॉग शूट कर रहा है यहाँ पर। और ऊपर मंदिर है एक, और सलेटी बहुत खूबसूरत जगह है। और यहाँ आगे फायरिंग चल रही है तो हमें आगे जाने के लिए मना है, क्योंकि झंडा लगा है देखिए रेड कलर का वो रहा, तो आगे हमें जाना मना है। और ऐसा है, देखिए बहुत खूबसूरत जगह है ये, और यहाँ पर काफ़ी लोग आते थे पहले, मगर मेन चीज़ क्या है ना, ये यहाँ पर गंदगी लोगों ने कर दी थी, तो इस वजह से यहाँ मतलब आना बंद करा दिया गया। गंदगी कैसे की गई, मतलब यहाँ उन्होंने दारू वारू पी, और मतलब वही होता है ग्रामीण लोगों को, मतलब इससे परेशानी हुई तो बंद कर दिया भाई। असली जो सलेटी का व्यू है वो आगे है। अब आगे हम अब हम जाने का सोच रहे हैं, कहाँ वो वहाँ, ये है तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, सन ना, यहाँ जाते हैं क्योंकि अब और जगह तो बची नहीं कहीं जाने के लिए। हेलो गाइस, फिलहाल अभी हम पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचे हैं हम, स्टेडियम पे। ये स्टेडियम है आपका वड्डा से आगे, जो कि कौन सी रोड थी, ये थी मुनाकोट, मुनाकोट वाली रोड के अंदर को यार, कोई कौन से गांव है ये, है तुम्हारा सन, हाँ सन वाली रोड में है ये। और ये स्टेडियम बने हुए करीब करीब मेरे ख्याल से 2 या 3 साल हो रहे हैं, हमें इतना पूरा आइडिया नहीं है इस चीज़ का और कब बनाया करके, मगर बनाया अच्छा है और काफ़ी अच्छा है मतलब। और यहाँ पर रनिंग वनिंग के लिए आ सकते हैं आप लोग, काफ़ी मज़ा मस्त लग रहा है देखो सच में, क्या स्टेडियम लग रहा है नहीं। देखिए भाई, फाइनली हम अभी स्टेडियम में बैठे हैं, बहुत प्यारा व्यू है सच में यहाँ पर का। ये एम टू ब्लॉगर का मनोज है, बगल में संडीदा ब्लॉगर है। हेलो गाइस, आई होप आप सारे अच्छे होंगे। और हम तीनों आज ब्लॉग बनाने आए थे, बट ब्लॉग हमारा बना नहीं, लेकिन जितना भी बनाए हम इसमें आपको पूरी जानकारी देंगे। चलो रनिंग करते हैं हम लोग, और बनाएगा मनोज इसकी वीडियो, ले बनाना, मैं रनिंग करूंगा यार। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, हम लोग हमारा बचपन जाग उठा है फिर से यहाँ पे, ले थोड़ी बहुत रनिंग करते हैं तो बना। हमने दे दिया है इसको, किसको, संडी द ब्लॉगर को। बस अभी कैमरा मेरे हाथ में है, और देखिए मुकेश नगरकोटी यहाँ पे रनिंग कर रहा है। और यार यहाँ पे आके ना अचानक से मतलब बचपन वाली फीलिंग जाग उठी हम लोगों की, इतना अच्छा खूबसूरत फील्ड यार हमारे समय पे तो हमको मिला नहीं, और आज के जो यूथ है उसको मिल रहा है, तो यार वो इसका बखूबी फ़ायदा उठाए, सुबह रनिंग के लिए आए, अपना प्रैक्टिस करे, हर गेम्स के लिए काफ़ी अच्छी जगह है ये। ये देखिए इन दोनों को, वाह शुरू। कभी हम स्कूल में बचपन में जो स्कूल की तरफ से गेम्स हुआ करते थे, जिनको हम रैलियां कहते थे, ये देखो बाप रे मनोज कितनी तेज दौड़ा है, काफ़ी खूबसूरत है यार ये जगह, काफ़ी अच्छा है यार ये अकेला मुकेश नगरकोटी 100 मीटर की दूरी। सही में यार बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है, कैसा लगा बचपन को जीने में फिर से एक बार दौड़ के, कई मज़ा आया, चलो सही है। और शाम को दौड़ने का अलग ही फील है। गुड यार, फिलहाल तो अभी दिन हो रही है पर मज़ा आया सच में। गुड यार, तो यार आज हम तीनों मर्ज हैं एक ही चैनल में, और मैं यार यूथ से मेरा अनुरोध है यार, ये नशे से दूर रहें, और ऐसी जो वातावरण है इसके नज़दीक आने की कोशिश करें, इस चीज़ को फील करने की कोशिश करें यार, ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है, खुला एरिया है, शांति है और शुद्ध हवा है। बाकी जो लोग पहाड़ चढ़ते हैं उनके लिए भी भाई एक ट्रैक काफ़ी अच्छा है, ये देखिए, ये एवरेस्ट जितना तो नहीं है बट मन्ना वहाँ ढूंढने गया है क्या, वो वाला पत्ता जो हाथ में टक करके छापते थे, हाँ बस हमने स्टीकर, ये देखिए यार ये काफ़ी अच्छी जगह है यार, ये देखो जो लोग रस्सी से चढ़ते हैं या पहाड़ चढ़ते हैं उनके लिए भी यहाँ पे एक ट्रैक बना हुआ है। अगर वो लोग अगर वीडियो देख रहे हैं इस चीज़ से जुड़े हुए, स्पोर्ट्स से जुड़े लोग, तो इस वीडियो को देख करके यहाँ पे आने की कोशिश करें, और एक बार यहाँ पे भी अपना हाथ आजमाएं कि कितना, ये मेरे ख्याल से मुकेश 70 मीटर की ऊंचाई पे होगा, ये होगी इसकी हाइट 100 मीटर, 100 मीटर तो 50 मीटर ना, 60-70 मीटर, हाँ 60-70 मीटर है यार, काफ़ी अच्छा है, पत्ता नहीं मिला इसे, ओहो टैटू वाला इसको तो पत्ता ही नहीं मिला। तू भी दौड़ना चाहता है,
नहीं ले, मुझे ले ले थोड़े से, मैं पीलिया ग्रस्त हूँ तो मैं रनिंग नहीं कर सकता क्योंकि मैं अस्त से पस्त तो जाऊँगा, तुम्हें मालूम है मुकेश भाई। बट तुम लोगों को दौड़ता देख के मुझे काफ़ी खुशी हुई, बचपन के दिन याद आ गए ना, लेकिन यहाँ पे आगे यार युवा पीढ़ी को यहाँ पे आना चाहिए, देखना चाहिए क्या रखा है नशे में। सुबह शाम पक्का आइए भाई, अगर कोई नजदीक से देख रहा है ना तो उसे आना चाहिए, नजदीक बोले तो मतलब 4-5 किलोमीटर दूर से भी देख रहा है तो उसे आना चाहिए। प्रॉपर मार्केट का आदमी भी सुबह आ सकता है अपनी गाड़ी से, आ सकता हूँ उतना दूर है नहीं, मगर ये कि मेन थोड़ा सा सलाह ही हो जाता है ना कि सुबह के टाइम पे अकेला आना दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल, आजकल ठंडे दिन है, मतलब ठंडे दिन स्टार्ट होने वाले हैं तो 5 बजे अंधेरा ही होता है उस टाइम पे निकलने में ना, वही दिक्कत है और कुछ नहीं है। हाँ अगर ये मेरे नजदीक होता है, अभी मैं क्या सोचता हूँ अगर मैं 6 बजे घर से निकलूँ फिर जाने टाइम मुझे पूरी धूप के साथ जाना पड़ेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, सब लोग देखते हैं ना उस टाइम पे भी। ये है, बाकी तो सब सही है, अच्छा नेचर है सच में, यहाँ पर बहुत प्यारा है, आप लोग आइए, सच में कह रहा हूँ बहुत अच्छा फील हो रहा है, दिन में ही दौड़ के इतना अच्छा फील हो रहा था। अगर सुबह सोचो अगर बढ़िया से यहाँ पर ना अगर आप 10 चक्कर लगा लो सारी, मतलब जितना भी है कुछ भी नहीं होना है आपको, फिर सही बात, तंदुरुस्त अलग रहोगे, मस्त सारा चीज, बॉडी फ्रेश, मतलब पूरा दिन भर मतलब फ्रेश रहोगे। यार मुकेश भाई हम लोग तो बचपन जैसे अपना एक यूथ लेके चलते थे 4-5 लड़कों का, अगर आज के लड़के अगर आना चाहे तो यहाँ पे ग्रुप वाइज आ सकते हैं, क्योंकि पहले हमको बाघ के बारे में नॉलेज नहीं थी, फिर भी हम सुबह 3 बजे घर से निकल जाते थे। पर आजकल भी निकल रहे हैं, निकलने को तो डर डर के निकलते हैं, पर आज की युवा पीढ़ी जो डर जाती है बाघ के नाम से। अगर ये यूथ बना के अपना मतलब एक दल बना के आए 10-12 लड़कों का, 6-7 लड़कों का, तो एक अच्छा ट्रैक बन सकता है इनका 5-6 किलोमीटर रनिंग का पर डे। जब मेरी एज थी, जब मेरे दौड़ने का, जब मेरी भर्ती की एज थी, तो मैं तो सच में बोल रहा हूँ भले ही मैं भर्ती हो नहीं पाया, सही बात, क्योंकि अब वो तो भाई सब अपने ऊपर, लक के ऊपर भी होता है थोड़ा और मेरे ऊपर भी होता है, सही बात, वो खुद के ऊपर भी होता है, मतलब मेन चीज क्या है ना, मेरा मतलब मेरा क्या सभी का लगभग होता ही है, 100 बंदों में से 90 बंदे जो होते हैं वो सब ऐसे ही होते हैं, सही बात है। प्रैक्टिस में वो बिल्कुल 4-5 मिनट की रेस बना लेंगे, जैसे यार मतलब जहाँ पर उसने दौड़ना है वहां पर उसकी दौड़ हो जाएगी बिल्कुल ठुस, बिल्कुल, क्योंकि उसका दिल घबरा जाता है। बिल्कुल, एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि लोग घबराहट में रनिंग मतलब सब कुछ भूल जाते हैं, प्रैक्टिस भी इंसान काम नहीं आती कभी कभी। ये कि वहां पर को ना जब भीड़ दिखता आदमी सोचता है यार ये कितना भयंकर होगा, वो कितना भयंकर होगा, डरता हर कोई है यार, सही बात, मगर अपने डर से आगे निकलोगे ना तभी कुछ कर पाओगे। बिल्कुल, मगर ऐसा है भाई हम तो कुछ नहीं कर पाए, अब हमें तुम बोलोगे ये कुछ नहीं कर पाया साला मुझे ज्ञान दे रहा है, ऐसा नहीं है, ज्ञान नहीं दे रहा हूँ मैं, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि कर सकते हो यार, सही बात, बाद में हमें भी जो कहते थे हम भी ऐसे सोचते थे उस टाइम, वही बात है। देखो मुकेश भाई ने काफी अच्छी बात कही, जिस समय 100-150 लोगों के बीच में आप दौड़ते हो ना तो यार एक डर पैदा हो जाता है कि यार इसको कैसे आगे काट के आगे निकलना है, कोई धक्का तो नहीं देगा। अमूमन वो हमारे साथ भी होता है, मेरे को याद है मुकेश भाई 2013 की भर्ती में जब मैं अल्मोड़ा दौड़ने गया था ना तो मैं सबसे पीछे था, लेकिन मेरे को लगा यार रनिंग तो करनी है, मैं दौड़ा मैंने 20 मिनट में अपनी 6 किलोमीटर की रनिंग जो थी कंप्लीट कर ली थी। लेकिन आज की युवा पीढ़ी नशे में ज्यादा पड़ चुकी है, देखो किसी को दम चाहिए, किसी को दारू चाहिए, किसी को सुल्फा चाहिए, आजकल तो एक और ट्रेंड आ गया स्मैक का। ये बहुत अच्छी बात कही मुकेश भाई, पिथौरागढ़ के जितने भी मेरे युवा भाई है ना और जो बड़े बड़े लोग हमसे जुड़े, मेरा उनसे अनुरोध है सबसे पहले अगर युवाओं को आगे बढ़ाना है तो इनकी नसों से, इनके दिमाग से ड्रग्स मतलब स्मैक, दम, दारू, ये जितना भी होता है इस नशे को दूर रखना है, खास करके स्मैक। ये बाहरी लोग यहाँ आते हैं, स्मैक की तस्करी करते हैं, चले जाते हैं, और कुछ लोग यहाँ के ऐसे भी हैं जो बाहर जाते हैं वहाँ से स्मैक लेकर के आते हैं और हमारे भाइयों को, छोटे भाइयों को इस चीज़ की लत लगा देते हैं। मेन क्या है, इसके जो बड़े लाला है ना यहाँ उनका कॉन्टेक्ट है इनके साथ, क्योंकि छोटे बंदे ऐसे खरीद ही नहीं सकता, इतना महंगी महंगा नजर है। कहते हैं ना कि समुद्र में जब जाल फेंकते हैं तो बड़ी मच्छी तो जाल को काट के निकल जाती है पर फिर भी छोटी मच्छी उसमें फंस के आ जाती है, तो यही हमारे पिथौरागढ़ में हो रहा है। जो तस्कर है वो छोटे मोटे इनके जो ये होते हैं देने वाले वाले, ये पकड़े जाते हैं, बड़े लोग निकल जाते हैं। तो मेरा अनुरोध है यार ये स्मैक से दूर रहिए, और यूथ जैसा कि मुकेश भाई ने बताया काफी अच्छा है यार यहाँ पे, बाय गॉड मैं कह रहा हूँ, कुछ नहीं आप सिर्फ 2 घंटे के लिए आइए, दिन में 2 बजे से आइए, 3 बजे आप रनिंग कीजिए, आपको एक अलग सा महसूस होगा यहाँ रनिंग करके, इतनी अच्छी है हवा, बड़ी शुद्ध है, ताजी है, और ये पीछे आप ट्रैक देख रहे हैं कितना खूबसूरत बना हुआ है। और बाकी चलते चलते मैं दिखाता हूँ, 2 बंदे हमारे वहाँ भी है और काफी अच्छा लग रहा है यार मेरे को तो यहाँ पे आके, सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है। मगर मेन चीज क्या है ना, अभी आज मौसम भी ऐसा हो रहा है कि मतलब धूप नहीं लग रही है, धूप नहीं लग रही है, जैसा मतलब बोलते हैं ना पहाड़ी में काल घाम उस टाइप हो रहे, मगर गर्म नहीं हो रहा है, गर्म भी नहीं हो रहा है, तो सुबह के टाइम पे तो बहुत अच्छा मौसम है। यहाँ आइए, इतना इम्पोर्टेंट मैसेज हमने आपको दे दिया है सारा चीज, इसको देख लीजिए वीडियो को, और इसी वीडियो के लिंक में सॉरी डिस्क्रिप्शन पे हम आपको ये क्या नाम है इनका, सैंडी द ब्लॉगर। और काफी अच्छा लगा आज हम तीनों भाई एक साथ आए हैं ब्लॉग बनाने के लिए, काफी अच्छा मैसेज हमने दिया है। वीडियो पसंद आता तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो गाइस और इस क्या बोलते हैं इस वाले में ये स्टेडियम में जरूर आइए और मजे लीजिए, काफी अच्छा है। तो गाइस हम दोनों हैं
मैं सैंडी भाई, ये मनोज भाई, और जैसे कि वीडियो शूट कर रहे हैं हमारे मुकेश भाई। तो आज हम तीनों एक साथ आए थे, हम सिर्फ आपको एक अच्छा मैसेज देने आए थे और यहाँ के बारे में बताने आए थे, तो जिसकी नॉलेज हमको भी नहीं है, लेकिन आगे कुछ अच्छे वीडियोज हम तीनों एक साथ लेकर के आएंगे। और ये जो वीडियो आपके लिए बना रखा है, खास करके जो छोटे बच्चे भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो यार सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए यार, थोड़ा प्यार हमें भी दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, चलिए बाय बाय। बंद कर दें यार, ये तो गहरा बंद कर दो, चलो कर ही देते हैं। तो यार फिर अब इंडे तो हो गया वीडियो का, फिर भी अब मन नहीं माना तो छोटा सा वीडियो और बना दिया। चल रहे हम लोग, ठीक है, यहाँ पर आइए। सच में बाइक पूरा यहाँ तक आती है बाइक, मगर ऐसा है कि यार फील्ड में बाइक मत लाना, क्योंकि यार इतनी मेहनत से जिसने भी बनाया फील्ड तो बनाया, प्रकाश पंजी ने शायद इसका निर्माण किया था ऐसा सुना मैंने, मुझे नहीं पता किसने किया था। बिल्कुल, जिसने भी किया है काफी अच्छा काम। हाँ ये तो अच्छा काम किया है फिलहाल, और आइए जरूर आइए भाई इस फील्ड में, मजे लीजिए। बाइक मत लाइएगा, बाइक थोड़ा जैसे हमने साइड रखी है वैसे रख के फील्ड के मजे लीजिए, बैठिए दौड़िए और इंजॉय कीजिए यार। तो चलें फिर बाय करो भाई। बिल्कुल बाय गाइस। बहुत गंदी हो गई थी इसकी गाड़ी, गाड़ी धोने के लिए आए लास्ट में, यहाँ पे मिल गया हमको पानी। नहीं यहाँ मिल गई गाड़, तो हमने नहा लिया, मतलब गाड़ क्या मतलब छोटी सी एक नेट।